आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। जितने बड़े शहर उतने बड़े अपराध, इसीलिए हम मेट्रो क्राइम में आपको आपके आसपास होते क्राइम से सावधान करते हैं। बीच सड़क पर पुलिस और बदमाशों के बीच भागम भाग और आंख मिचौली का खेल आपने फिल्मों में तो खैर देखा होगा, लेकिन दिल्ली के दिलेर वर्दी वालों ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर लोग बस देखते ही रह गए। एक पुलिस वाले ने अपनी जान पर खेलकर बिल्कुल फिल्मी स्टाइल बदमाशों को धर दबोचा। देखिए दिल्ली पुलिस का सिंघम। आगे आगे बदमाश, पीछे पीछे पुलिस वाले। दिल्ली वालों ने सड़क पर देखा असली चोर पुलिस का खेल और फिर दिलेर पुलिस वाले ने हवा में उछलकर खतरनाक बदमाश को किया गिरफ्तार। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में खतरनाक बदमाशों की गिरफ्तारी की ये तस्वीरें दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके की हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये बदमाश दिन दहाड़े लूटपाट के बाद फरार होने की फिराक में थे, लेकिन ठीक उसी वक्त वहां गश्त कर रहे कांस्टेबल संजीव ने लुटेरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जैसे ही कॉल कीर्तिनगर पुलिस स्टेशन में गई, उन्होंने अपने सारे स्टाफ को इकट्ठा करके मोटरसाइकिल पे जिस डायरेक्शन में वो लोग उनको लूट के गए थे राजन जी को, उस तरफ अपना स्टाफ सारा दौड़ाया। वो कुछ दूरी पे उनको नजर आया, जैसे ही हमारा एक कांस्टेबल संजीव थे, उनके साथ संजय थे, उन दोनों ने उसका पीछा करते हुए एक हालत ऐसी आई कि दोनों की बाइक टकरा गई। देखिए कांस्टेबल संजीव ने बहुत बहादुरी से जब उनकी मोटरसाइकिल आमने सामने आई है, फाइनली जब पहुंच गए उन तक, तो उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल से उसकी मोटरसाइकिल पे एकदम जंप लगाई है कि वो किसी भी कंडीशन में एस्केप नहीं करना चाहिए। पुलिस के मुताबिक बदमाशों का पीछा करते करते कांस्टेबल संजीव के पैर में चोट भी लग गई, लेकिन जख्मी हालत में भी वो दौड़ते रहे और एक लुटेरे को पकड़कर ही दम लिया। उस दौरान वहां ड्यूटी पर तैनात कुछ और पुलिस वालों ने भी कांस्टेबल संजीव का भरपूर साथ दिया। जो और बाइक हमारी घूम रही थी उस पे एक विनोद कांस्टेबल थे, एक सतीश थे, उन लोगों ने फिर एक वही की वही मिल गया संजीव के पैर में, जिससे हमारे जो कांस्टेबल संजीव है थोड़ी सी चोट आई है। दूसरा जो ग्रुप था हमारे कांस्टेबल्स का, यहाँ उनको मिल गए जितेंद्र सूजा जो प्रताप नगर के हैं, उनको संजीव ने पकड़ लिया। दूसरा तरुण जो टुन्ना है वो उतर के भाग गया, उसके पीछे हमारे कांस्टेबल विनोद और सतीश भागे हैं, आगे जाके दौड़ के उन्होंने उसको पकड़ लिया। इन बहादुर पुलिस वालों ने अपनी जान पर खेलकर बेहद खतरनाक लुटेरों के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। गिरफ्त में आए बदमाशों के खिलाफ महिलाओं के साथ लूटपाट के कई केस दर्ज हैं। इतना ही नहीं, ये बेखौफ बदमाश पुलिस वालों पर गोली चलाने से भी पीछे नहीं हटते थे। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। देश की राजधानी के बाद बात देश की आर्थिक राजधानी के पास की। मुंबई से सटे ठाणे में एक सिरफिरे ने होटल में हंगामा कर दिया। छोटी सी बात में उसने होटल के शीशे और गमले तोड़ दिए। गुंडागर्दी की तस्वीरें देखिए जरा, आप भी हैरान रह जाएंगे। हंगामा, अफरा तफरी और तोड़फोड़। गुंडागर्दी की ये तस्वीरें मुंबई से सटे ठाणे की हैं, जहां एक सिरफिरे नौजवान ने होटल में घुसकर कोहराम मचा दिया। होटल स्टाफ का आरोप है कि ये नौजवान फैमिली टॉयलेट में घुस गया था। जब उसे ऐसा करने से रोका टोका गया तो उसने गुस्से में आसमान सिर पर उठा लिया। फैमिली सेक्शन है, यहाँ पे जींस नहीं अलाउड है। तो एक आदमी आया, वो जींस टॉयलेट में गया, तो जींस टॉयलेट से निकलने के बाद हम लोग ने पूछा,
क्या हो गया, आप वॉशरूम में जींस जींस का नहीं फैमिली का है, तो उसमें वो बहुत सारा अनाप शनाप गाली बिली भी देना शुरू किया कि तुमको खरीद सकता हूँ, तुम्हारा बाप को होटल लेके आया, ऐसा वैसा इतने हुआ, इतने बात हुआ। उसके बाद वो नीचे अपना दोस्त लोग लेके गया और ऊपर आके सीधा हमला करना शुरू किया। होटल के अंदर बिखरे कांच के टुकड़े और होटल के बाहर पड़े टूटे हुए गमले उस सिरफिरे की गुंडागर्दी की गवाही दे रहे हैं। गार्ड्स और मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने उस नौजवान को काबू करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने सभी के पसीने छुड़ा दिए। ठाणे से ब्यूरो रिपोर्ट। तो मेट्रो क्राइम में फिलहाल आज के लिए इतना ही। बड़े शहरों के गुनाह की बड़ी खबरें रोज रखेंगे मेट्रो क्राइम में, सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:30 बजे आपके सामने। देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।